और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी सांसद शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो गए हैं, राज्यसभा से सस्पेंड हुए हैं शांतनु सेन। कल शांतनु ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान फाड़ दिया था। जब अश्विनी वैष्णव जैसे उसी मुद्दे पर अपना बयान पढ़ने के लिए खड़े हुए, तब उनका बयान पहले तो वो कॉपी छीनी, वो कागज छीने और उसके बाद फाड़ दिया। फाड़ करके उपसभापति की तरफ वो पेपर्स उन्होंने फेंक दिए थे। ये तस्वीर कल की आप देख रहे हैं। विकास चंद्रा न्यूज दर्शन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, बड़ी कार्रवाई हुई है पूरे सत्र में, अब पूरे सत्र को अटेंड नहीं कर पाएंगे शांतनु से? जी बिल्कुल, पूरे सत्र के लिए उनको सदन से सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबित कर दिया है। इस तरीके से कल शांतनु सेन ने सदन के अंदर व्यवहार किया था और अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनके भाषण को छीन करके फाड़ दिया था और फिर उप सभापति के आसन की ओर फेंक दिया था। तो कल ही इस बात की संभावना हो गई थी कि शांतनु सेन को निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से संसदीय परंपरा के खिलाफ उन्होंने काम किया था। तो सभी, लगभग सभी सांसद इस बात से सहमत है कि इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और सदन के अंदर जब भी इस तरीके का कोई अमर्यादित काम होता है तो चेयर की तरफ से एक्शन लिया ही जाता है। तो इस बात की पूरी संभावना थी, इसको सरकार ने भी कठोरता से लिया और राज्यसभा में नियम 256 के तहत शांतनु सेन के खिलाफ जो वीर मुरलीधरन जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री है उन्होंने इसमें प्रस्ताव लाया। जैसे वो प्रस्ताव लाए उसको तुरंत स्वीकार करते हुए वेंकैया नायडू ने उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। बिल्कुल विकास, संसदीय मर्यादा को तार तार किया था। अपनी बात रखने का एक तरीका होता है और ये जाहिर तौर पर ये जो कार्रवाई शांतनु सेन पर हुई है ये एक नजीर पेश करेगी आगे विपक्ष के नेताओं के लिए। जी निश्चित तौर पर, न सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए, किसी भी ऐसे सांसद के लिए एक नजीर बनेगा कि ताकि इस तरीके का वो सदन के अंदर कोई अमर्यादित या जो असंसदीय बिहेवियर है उसको वो न कर सके। क्योंकि जब भी ऐसा, इसके पहले भी कई बार ऐसे कुछ सांसद हैं जो वेल में उतर करके और संसदीय परंपरा के खिलाफ जाकर के उन्होंने काम किए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और शांतनु सेन ने जो किया कि मंत्री के हाथ से पेपर उन्होंने फाड़ दिया और न सिर्फ फाड़ा बल्कि उप सभापति के आसन की ओर उसको फेंक दिया, तो इस पे तो कार्रवाई होनी ही थी। और बिल्कुल कल से ही साफ हो गया था कि कार्रवाई होनी ही होनी है और जैसे ही नियम 256 के तहत प्रस्ताव मुरलीधरन लेकर के आए तुरंत उस प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वीकार किया और स्वीकार करके अपना फैसला उन्होंने सुना दिया कि पूरे सत्र के लिए शांतनु सेन को सदन से बाहर किया जाता है। तो पूरे सत्र वो सदन के अंदर नहीं आ सकेंगे। जब उनका फैसला आया तो सदन में ही मौजूद थे शांतनु सेन और बार बार चेयर की तरफ से कहा गया कि शांतनु सेन बाहर जाए, वो नहीं गए। फिर डेरेक ओबेरॉन उस पर बोलने की उन्होंने कोशिश की, फिर हंगामा हुआ और हाउस को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब वो निलंबित हो चुके हैं, पूरे इस मानसून सत्र में वो सदन के अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विकास बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर ये है, संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हो रहा है शांतनु को सस्पेंड करने के बाद। राज्यसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर आई कि शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कल जो उन्होंने संसद में किया था, राज्यसभा में जब आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपना बयान पढ़ने के लिए खड़े हुए, उनसे कागज छीन लिए और फिर छीनने के बाद उन कागजों को फाड़ करके सभापति की तरफ फेंक दिया गया और उसके बाद लगातार कई सांसदों की तरफ से ये मांग की गई कि शांतनु सेन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शांतनु सेन पर कार्रवाई हुई है और शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया है। पूरे सत्र को वो अब अटेंड नहीं कर पाएंगे। उपसभापति की तरफ कागज फेंकने और मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान फाड़ने का उन पर आरोप लगा। सीधे तौर पर जब अश्विनी वैष्णव ये बयान पढ़ रहे थे, कागज खींचे फाड़े और फिर उपसभापति की तरफ देखिए कैसे ये कागजों को उछाल दिया गया था और ये संसदीय मर्यादा का इससे उल्लंघन माना गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब पूरे सत्र में वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे। इसी को लेकर सदन के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है और उसी को लेकर जो दोनों सदन है उसकी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा में भी हंगामा हुआ शांतनु सेन को निलंबित किए जाने के बाद। विपक्ष के सांसद नाराज नजर आए और शांतनु सेन पर हुई कार्रवाई पर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद सदन का काम नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। आपको बता दें शांतनु सेन कौन है, टीएमसी के सांसद है। कल हंगामा हुआ था, जासूसी मुद्दा उठ रहा था, उसी पर आईटी मिनिस्टर बयान देने के लिए खड़े हुए कि तभी शांतनु सेन ने उनसे पेपर छीन लिए।